की मूवी के बारे में, आज तो मुहूर्त है तो अभी जर्नी स्टार्ट होगी, तो देखते हैं अभी ये जर्नी कितनी एक्साइटिंग होती है, कितनी मज़ेदार होती है। जो मेरा तो किरदार की बात करें तो ये एक लड़की है, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है दिमाग से, दिल से भी, और उतनी ही ज़्यादा अपने मुल्क से जुड़ी हुई है। और ये एक लड़की है जो एक बिगड़े हुए अमीर बंदे को सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। हाँ जी जी, नहीं मैंने ऋषि के साथ पहले काम नहीं किया है। उम्मीद देखिए, हर फिल्म यही उम्मीद से बनती है कि फिल्म अच्छी चले, मतलब हर फिल्म अपने आप में एक रिस्क होती है उसके फर्स्ट फेज़ में, और बाद में ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि उनको फिल्म अच्छी लगी कि नहीं, एंड देन सक्सेस उस पर डिपेंड करता है। सो द थिंग इज़ के ये एक अगेन लाइक मैंने जितनी भी फिल्म्स की थी, जय हो भी एक रिस्क था, हे स्टोरी भी एक रिस्क थी, तो फर्स्ट फेज़ में हमेशा पता नहीं होता है कि फिल्म आगे जाके कितना बिजनेस करेगी या लोगों को कितनी अच्छी लगेगी। सो अभी इट्स टू सून फॉर मी टू से अबाउट द सक्सेस ऑफ द फिल्म। आई रियली लाइक द टाइटल राम रतन, मतलब सो राम रतन मैं आपसे सवाल पूछूं, आपको क्या लगता है टाइटल के बारे में? जी राम जो है वो लड़के का नाम है, रतन जो है वो लड़की का नाम है, तो इसलिए नाम रखा गया है राम रतन, क्योंकि जो पूरी फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है वो उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप दिखाया गया है। मैं एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग फिल्म कर रही हूँ जो कि फरवरी में स्टार्ट होगी, क्योंकि वो फिल्म पूरी नॉर्थ में शूट करने वाले हैं हम, और बेसिकली अंबरनाथ साइड, तो जो ये फेज़ जो होता है अक्टूबर से लेके जनवरी, अंबरनाथ जो है वो बंद होता है, सो जैसे अंबरनाथ की यात्रा खुल जाएगी तो हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। एंड इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, आई लव द स्टोरी बिकॉज इट्स बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड फिल्म है वो, और एक मैसेज है वो फिल्म के अंदर जो कि बहुत प्यारा मैसेज है। गुजराती फ्लेवर, जी गुजराती फैमिली दिखाई गई है फिल्म के अंदर, फिल्म के अंदर गुजराती फैमिली दिखाई गई है। गणपति आ चुके हैं? हाँ जी, नहीं अगले साल से मैं रख रही हूँ। मैंने अभी तक 1 2 3 4 5 6 9 11 गणपति विजिट कर चुकी हूँ अभी तक।